एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने ओपन और क्लोज स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो मतलब जिसका आंसर आ रहा हो या हमें मालूम हो जाए उसको हम क्लोज स्टेटमेंट कहते हैं, और जिसका आंसर हमें मालूम ना हो उसको हम, या कोई अननोन वैल्यू मौजूद हो उसको हमने कहना है कि वो ओपन स्टेटमेंट है। जैसे अगर पहला पार्ट देखें, इसमें x है, अब हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे लिए ओपन स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ओपन स्टेटमेंट। 3 वाले पार्ट में भी x है, हमें x की वैल्यू नहीं मालूम, तो ये भी क्या है, ओपन स्टेटमेंट। थर्ड वाला देखें तो 5 4s आर, यानी ये टेबल है, 20 होता है तो आगे क्या लिखा हुआ है, 20। इसका मतलब है ये 20 और 20 बराबर है, तो ये क्या है, क्लोज स्टेटमेंट है। यहाँ भी y है, अब हमें y की वैल्यू मालूम नहीं है, अननोन है, तो ये भी क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है। 10 + 40 = 50 होता है, तो आगे 50 लिखा हुआ है, यानी 50 = 50, ये भी क्या है, क्लोज स्टेटमेंट है। 72 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 72 को अगर हम अंदर रखें और 8 को बाहर रखें, 8 9s are 72, यानी 9 आंसर आएगा। तो सवाल में देखें तो उसके आगे भी 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भी क्या है, एक क्लोज्ड स्टेटमेंट है। ठीक हो गया बच्चों, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ओपन स्टेटमेंट। सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी क्या है, ओपन स्टेटमेंट, ओपी लिख देता हूं मैं। थर्ड वाला क्या है, क्लोज्ड स्टेटमेंट, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिख के साथ ये आंसर लिखते जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ वाले में आप क्लोज स्टेटमेंट लिखेंगे, फोर वाले में ओपन, 5 वाले में क्लोज्ड, और 6 वाले में भी क्लोज्ड, ठीक है जी।